केमिस्ट्री क्लासेस में मैं ब्रजेश पांडे आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं जब वो मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा कल मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल और टेट्रागोनल, इन सब में मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सिखाई है। तो एनर्जी गैप जो है अलग अलग लिगेंड्स के केस में अलग अलग होगा। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जैसे आयरन, एंटी ब्रोमीन, क्लोरीन तक ये सारे के सारे, इवन वाटर, इन सब केसेस ये बॉर्डर लाइन में आते हैं। ये वाले जो लिगेंड्स हैं ये बॉर्डर लाइन के अंडर आते हैं और लास्ट में कौन से हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो लिगेंड्स को हमने दो टाइप में बेसिकली, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये जो से हैं बीच वाले बॉर्डर लाइन, इनमें से कई बार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि मान लो ऑक्सैलेट है, अब है तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में, बट क्योंकि ये चिलेटिंग लिगेंड्स है तो ये क्या करता है, कोबाल्ट के साथ क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो क्या फर्क पड़ता है हमें ये समझना है। वैसे तो ये बहुत सारे हैं और आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे जो ये है तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, मगर मैं आपको सिलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि जिससे कि आप अगर याद कर लेंगे तो सीबीएसई बोर्ड या कोई भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें आपको उसी से काम चल जाएगा। तो इतने सारे मैं लिगेंड्स याद नहीं करवाता, केवल मैं आपको सिलेक्टेड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूं। आपको बस यही याद रखना है कि अलग अलग लिगेंड्स क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग करेंगे। मान लो मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है, अब वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है वो समझ लो पहली बात। तो कि वीक फील्ड लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो कम होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की आपकी कल हमने बात की थी, ये हमारा डेलनोट, ऑक्टाहेड्रल के केस को मैं लेके चल रहा हूं। मान लो ये मेरा T2G है और ये मेरा EG है, इसी तरह यहाँ पे ये T2G है और ये क्या है, EG है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है इसी को मैं क्या बोलता हूं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मगर इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब वो देखते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इलेक्ट्रॉन कहां डालेंगे, यहां पे T2G1 हो जाएगा, यहां पे भी क्या करेंगे, यही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड। मगर जब आया D2 तब क्या हुआ, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा D3 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं। क्या, एक तो मैं इस केस में क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में जंप करा रहा हूं, मगर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पेयरिंग करा दी। अब कौन कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, बस ये याद रखिए आप, जो मैं याद रखता हूं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और वाटर। सीबीएसई में इससे बाहर नहीं आता बेटा कभी भी, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, वाटर ये जब भी आ गए याद रखना कि आपने पेयरिंग नहीं करनी, नो पेयरिंग टेक प्लेस। इसका मैं कल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं कल के लेक्चर में। तो यहां पे हमने पेयरिंग नहीं करनी और इस केस में क्या होगा, जैसे अमोनिया आ गया, ईन आ गया, आपका क्या कहते हैं, कार्बोनिल आ गया, साइनाइड आ गया, नाइट्रो आ गया, ठीक है ना, और इवन ऑक्सैलेट इन केस ऑफ कोबाल्ट, केवल कोबाल्ट के साथ जब ऑक्सैलेट आयन आ जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स, तो उस केस में ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्टूडेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस, और ये क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, क्लियर है आपको। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, लेकर चलनी है। ये हमारा कार्बोनिल है और जब हम ओ छोटा डालते हैं तो कोबाल्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास आ गए और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब अगला क्वेश्चन सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस केस में आपने पेयरिंग नहीं की और इस केस में पेयरिंग की है। तो एक्चुअली में होता है क्या बेटा, एक ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन होता है और मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें डालता हूं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। टू मिनिमाइज दैट रिपल्शन, हमको जब हम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो मुझे एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी जब हम डालते हैं, पेयरिंग एनर्जी, अब इस केस में क्या हो रहा है, जो ये एनर्जी गैप है वो काफी कम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, यहाँ पे कम हो रही है पेयरिंग एनर्जी, तो मुझे पता है कि पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मैं पेयरिंग क्यों कराऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन को जंप करा दूंगा। बट इन दिस केस जैसा कि आप देख रहे हैं सीएफएससी में, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी
पेयरिंग एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। अब पेयरिंग एनर्जी कम है तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को जंप कराने की जगह पेयर ही करा दूंगा, क्योंकि मुझे वहां पे कम एनर्जी देनी पड़ रही है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आप पेयरिंग करा देंगे। क्यों पेयरिंग करा देंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी लेस है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, मगर इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है क्रिस्टल। तो डी फोर, अगर मान लो मेरे पास डी फोर कॉन्फिग्रेशन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी टू जी थ्री और ई जी वन, मगर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G4। तो इस तरह बेटा हमें पता चलता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। इस केस में अगर मैं स्पिन को निकालता हूं तो प्लस वन बाय टू और +1/2, और यहां पर भी क्या है +1। टोटल स्पिन क्या आएगी स्टूडेंट, 2, मगर इस केस में स्पिन क्या आएगी, +1/2 -1/2 +1/2 +1/2, टोटल स्पिन क्या आएगी, 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पिन क्या आ रही है, 2, यहाँ पे स्पिन क्या आ रही है, 1। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, मगर जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे ये क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हाई स्पिन बनाएंगे। आपने देख लिया, तो आपको एक छोटी सी बात ये भी याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम उन्हें कहते हैं जिनकी वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो जाएंगे तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, मगर जो वीक फील्ड लिगेंड है उनकी वजह से पेयरिंग नहीं होती है और ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग आपने नहीं करनी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करनी है। कल मैं आपको इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में और वीक फील्ड, उसको एक्सप्लेन करूंगा, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो इंपॉर्टेंस है वो सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे और ज्योमेट्री निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो अभी न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट्स उन तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।